न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का मैं चरणजीत को हार्दिक स्वागत कर रही हाँ। अज असं मौजूद हाँ गुरु गोबिंद एवीन्यू लक्की ऑयल कैरियर ऑफिस में, जिथे कि असं गलबात करेंगे किशन लाल शर्मा जी के नाल, जो कि इंडियन ऑयल के प्रेजिडेंट ने। तो उन्होंने जाणांगे कि गौ माता की हत्या के पिछे की कारण ने, क्यों हो रही ने। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल जी। अंकल जी तुहाडा नाम? मेरा नाम किशन लाल शर्मा, मैं प्रेजिडेंट हाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृति मंच पंजाब प्रांत। मैं सब तो पहला तुहाडे चैनल PTN जिहड़ा कि हमेशा राष्ट्र दे हित च कम करता है, तुहाडा भी भैन जी धन्यवाद करदा हाँ। समय समय से तुसी लोक हित च आवाज़ उठाते रहने हो। अंकल जिदा तुहानू पता है कि गौ माता की हत्या दिनों दिन बढ़ती रहती है, हरेक एक इलाके में यह खबर सुनने को मिल रही है, उसके बारे तुसी की कहना चाहोगे? देखो जी, जिहड़ियां पंजाब दे विच गौ हत्यावां होईयां हैं अलग अलग जिलों च, इहदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृति मंच सख्त शब्दों च निंदा करता है। और असी कल पंजाब दे राज्यपाल जी दे नाम एक मंग पत्र DC साहब नूं भी सौंपिया सी। असी मंग कीती है कि इन्हां दे हत्यारां नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिले। और एक होर मंग करते हाँ कि पंजाब की जिहड़ी सरकार बनी है, नवे मुख्यमंत्री साहब बने हैं, उन्होंने मुबारकबाद भी देनी चाहते हाँ। और एक गल कहनी चाहते हाँ कि कहड़ियां ताकतां हैं इन्हां पिछे, उहदी तह तक जांच होनी चाहिए है। बहुत सारिया ताकतां हैं जिहड़ियां कि ऋषि मुनिया की धरती पवित्र धरती है, शहीद आजम भगत सिंह की धरती है। विदेशी ताकतां भी चाहुंदियां ने कि बॉर्डर स्टेट है, इत्थे कोई ना कोई इस तरह के काम हुंदे रहन, उन्हां दे किते मनसूबे कामयाब ना हो जाण। इस करके पंजाब की सरकार पंजाब की विधानसभा च ये प्रस्ताव लियावे, वो सख्त तो सख्त कानून बनन तां कि ये जिहड़ियां ताकतां है पनप रहियां है, ये जिहड़े लोग फड़े भी गए है, इन्हों गहराई तक जांच होवे। नहीं फड़े गए जेल भेज दिते, जनता के सामने लियाए जान कि इन्हां दी मंशा की सी, क्यों गौ माता की हत्या की है। ये नहीं खुआरा फोटो दे दियां, फड़े गए जी, गई गल आई गल गई, कौन लोग ने, ये पिछे कैड़ी साजिश सी, ये भी सामने जनता दे लियानी चाहिए है, ये साड़ी मंग है। अंकल तुहानू की लगता है कि ये पिछे कारण की है गौ माता की हत्या के पिछे? ये भैन जी, क्योंकि जिहड़ियां ताकतां हैं, मैं पहला भी तुहानू दसदिया बोलदिया क्या है, ये चाहुंदियां नहीं कि पंजाब प्रांत का माहौल शांत रहे। उहदे पिछे उही ताकतां है जिन्हां नूं मात्र देश नाल प्यार नहीं, सत्ता नाल प्यार है। कुछ राजनीति दल है भारत देश के अंदर, अज होर भी स्टेटां ने जिथे इदां दे काम नहीं हुंदे, बहुत वड्डियां वड्डियां स्टेटां जिथे योगी आदित्यनाथ जी UP दे विच भाजपा की सरकार है, उत्थे गुंडा डकैतां नूं नत्थ पूरी तरह पाई हुई है सरकार ने। इत्थे भी सरकार को चाहिए है इस तरह के लोगों पर पूर्ण रूप से नत्थ पाई जाए। तुहानू लगता है इस प्रति कार्रवाई हुई है? देखो जी, कार्रवाई तो मैं तुहानू पहले ही बोल दिया, गल कही है कि पता तो उदो चलेगा कि इन्हां दे पिछे कौन है, ये साजिश के पिछे कौन है, ये फिर ही पता चलेगा कि कार्रवाई बाकी निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है और कौन लोग ने इन्हां दे पिछे। ये नहीं बस फड़ के देता, लोगों जनता नु विश्वास होना चाहिए पुलिस प्रशासन से कि कौन लोग ने, ये क्यों हत्यावें हुई, की पिछे कारण की सी, कौन लोग करा रहे ने, ये ता ही ये पंजाब च अमन शांति जिहड़ा भाईचारा है कायम रहेगा। ठीक है अंकल जी, थैंक यू। धन्यवाद तुहाडा PTN चैनल दा, तुहाडा भी भैन जी, तुसी हमेशा राष्ट्र के हित च कम कर रहे हो, साडियां तुहानू शुभकामनावां। जय हिंद, जय भारत। तो असी गलबात की किशन लाल शर्मा जी के नाल, जिन्हों का कहना है कि गौ माता की हत्या करने वाले सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए, तो उन्होंने जल्द तो जल्द उस प्रति कार्रवाई की जाए। होर बधेरे जानकारी के लिए जुड़े रहो PTN पंजाब टॉप न्यूज़ के नाल।